ये बड़े लोगों की बड़ी शान है, लेकिन कम से कम अपने धंधा तक तो रहे ना। कभी हमने सोचा झूठ बोलने से रिस्क बढ़ता है? रिस्क बढ़ता है जितना रिस्क रन देता है। किसी को तकलीफ देने से राहत मिलती है, राहत तो तभी मिलती है जब रन देता है। दुनिया में कोई ऐसा काम है जो हराम करने से हो जाता हो? हरगिज नहीं। काम सिर्फ वो होता है जो रब चाहता है। बंदा हराम तरीका इख्तियार करे या हराम तरीका इख्तियार, फरमाबरदारी करे या ना फरमानी करे, कम से कम इतनी तौहीद तो बंदे में होनी चाहिए कि दुनिया की खातिर रब की नाफरमानी नहीं करे, क्योंकि होना तो वही है जो रब चाहे। इतनी तौहीद तो होनी चाहिए। रब की गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब के वो मकबूल बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे आका करीम के बाद पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत अदा करवाई, सबसे ज्यादा शान अदा की है और सबसे ज्यादा अच्छे औसाफ अदा किए। मैंने आज के खुतबा में आपके सिर्फ तीन औसाफ का तस्कर किया जो रब ने पसंद करके वो कुरान में बयान किए थे। और ये भी याद रहे कि कुरान मजीद की कई आयतें करीमा में रब ने ये हुक्म दिया है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी की जाए, और हमें तो उनकी पैरवी में ये भी निस्बत है कि वो हमारे आका करीम के जद्दे अमजद हैं, हमारे आका करीम उन्हीं की औलाद में से। तो हमारी शरीयत के उसूल वही है जो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किए थे। इस निस्बत से भी हमें जनाब इब्राहिम का साथ इख्तियार करना चाहिए। वो रब के बहुत शुक्रगुजार हैं और जिंदगी भर आजमाइशों में रहने के बावजूद उनकी जबान पर कभी नाशुक्री और एहसान फरामोशी का जुमला नहीं आया। वो बहुत हिल्म वाले थे, अपने साथ बदसलूकी करने वालों के बारे में भी कोशिश करते कि वह के अजाब से महफूज रहे, और वो पक्के तौहीद परस्त थे। अगर हम उनके लेवल के तौहीद परस्त तो नहीं बन सकते कि असमान भी छोड़ दें, लेकिन कम से कम अपने दर्जे में रहते हुए इतना तो होना चाहिए कि रब की नाफरमानी मत करें, क्योंकि ये अकीदा हमारा है। नाफरमानी करने से न मुसीबत पड़ती है, न रिस्क बढ़ता है, न इज्जत मिलती है। होता वही है जो रब चाहता है। अल्लाह करीम जल्ल जलालहु जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।